कहा जाता है और यूपी की सियासत के विषय में ये कहा जाए कि ये हिस्सा यूपी की पूरी राजनीति को खुद में समेटे हुए है तो ये शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, अब जंगे अवध के लिए तैयारियां का जोर जो था वो थम चुका है तो धड़कने भी बदल गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ तुषार शर्मा। आज का मुद्दा यही है कि इस तीसरे चरण के समीकरण क्या सपा की साइकिल कांग्रेस के हाथों विजय रेखा को पार करवाने में मदद दिलवा पाएगी या फिर बीजेपी का कमल और सपना जो है ताज पाने का वो पूरा हो पाएगा या बसपा का हाथी रौनता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या होगी तस्वीर, यही है हमारा आज का मुद्दा। मेरे साथ चर्चा करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर केएम शर्मा हमारे साथ होंगे, साथ ही होंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल अहद, साथ ही संवाददाता हमारे साथ होंगे प्रणय शर्मा, ताबिश कमाल। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि जो तीसरा चरण है उसकी तस्वीर कैसी रहेगी। उत्तर प्रदेश में पहले दो चरणों के अंदर 140 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन यूपी का यह दंगल अभी भी जारी है। 19 फरवरी को एक बार फिर यूपी की 69 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए सभी पार्टियां पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। मतदान से ठीक पहले शुक्रवार को भी सभी राजनीतिक दलों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। अखिलेश यादव से लेकर उनकी पत्नी और राहुल गांधी से लेकर मायावती तक ने शुक्रवार को कई बड़ी रैलियां की और अपने अपने पक्ष में जन समर्थन हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जनता के लिए लोक लुभावनवादों की झड़ी लगाने में भी नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन ऐसा प्रचार इससे भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सीधे सीधे जनता की सोच पर प्रभाव डालता है। यूपी के तीसरे चुनावी दंगल से पहले आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंग कसने से बाज नहीं आए। लालू प्रसाद ने सवाल करते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी यूपी के दत्तक पुत्र हैं तो पिता कौन है। उन्होंने हमला तेज करते हुए कहा कि रिश्ता जोड़ने से कोई चुनाव नहीं जीत जाता। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने गुरुवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये कहते हुए तंग कसा था कि उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अब न हंसाने का निवेदन भी किया। लालू प्रसाद ने किसी का नाम लिए बिना ट्वीट कर लिखा, पंजाब में खून का बेटा और उत्तर प्रदेश में दत्तक पुत्र, गजब है रे भाई, इतना मत हंसाओ। वहीं तीसरे चरण में प्रचार में आखिरी दिन औरैया में डिंपल यादव ने भी रैली करके लोगों को सपा की तरफ आकर्षित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। डिंपल ने परिवार के झगड़े का जिक्र करते हुए लोगों से कहा कि झगड़े में पार्टी की चाबी और भाभी दोनों आपके अखिलेश भैया के साथ हो गई है, इसलिए आप समाजवादी पार्टी को विजयी बनाकर एक बार फिर सेवा का मौका दें। डिंपल इस मौके पर विरोधियों पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मन की बात तो घंटों तक की जाती है लेकिन काम की बात एक भी नहीं होती। यूपी में एक तरफ रैलियों का दौर जारी रहा तो वहीं आज रायबरेली में पहली बार प्रियंका गांधी, वाड्रा और राहुल गांधी एक मंच पर नजर आए। प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार में कूदना कांग्रेस के लिए काफी कुछ बयां कर रहा था। मतलब साफ था कि प्रचार का आखिरी दिन कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए पूरी तरह से प्रियंका गांधी पर अपना दांव खेल दिया। खराज देर शाम को यूपी के 12 जिलों में प्रचार पूरी तरह से थम चुका है और रविवार को 69 सीटों पर मतदान को लेकर अंतिम तैयारियां भी जारी है। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें 826 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे जबकि 2,41,00,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तीसरे चरण में फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जिले की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2012 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने इन 69 में से 55 सीटें जीती थी। वही बीएसपी को 6 और बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। 2 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आई थी और एक निर्दलीय के पास गई थी। इस चरण में कुल 826 प्रत्याशी मैदान में हैं और करीब 2,41,00,000 मतदाता कुल 25,603 मतदान बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश विधानसभा में बाकी 4 चरणों का चुनाव 23 और 27 फरवरी, 4 और 8 मार्च को होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK247 न्यूज़।